राज्य सरकार और प्रशासन के तमाम दावों के बावजूद भी राज्य में अपराधी बेलगाम नजर आ रहे हैं। ताजा मामला मधुबनी शहर के बाटा चौक स्थित अति भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में एक्सिस बैंक में गार्ड को गोली मारकर रुपए लूटने का मामला सामने आया है। बता दें कि लोगों के बीच उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां दिन दहाड़े गेट के पास अपराधियों ने बैंक को लूटा और साथ ही गार्ड को गोली मार दी। मिली जानकारी के अनुसार जब भारतीय जीवन बीमा निगम का पैसा बैंक में जमा होने आ रहा था, बैंक के गेट पर पहुंचते ही कुछ लोगों ने पैसा जमा करने आए लोगों को घेर लिया और उनसे रुपए पैसे लूटने लगे। सभी लुटेरों के हाथ में हथियार थे और उन्होंने फायरिंग भी की। बताया जा रहा है कि इस कांड में बैंक का गार्ड घायल हो गया और उसे फिलहाल DMCH रेफर कर दिया गया है। घटना स्थल पर फिलहाल पुलिस कैंप कर रही है। CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है। लूट लाखों रुपए की बताई जा रही है। इस संबंध में घटना स्थल पर पहुंचे सदर DSP राजीव कुमार ने बताया कि घटना की जांच फिलहाल की जा रही है, इसके बाद विस्तृत जानकारी मीडिया को दी जाएगी। इधर मधुबनी शहर के बीचों बीच इस तरह का कांड होने के बाद लोग सहमे हुए हैं। वहां मौजूद लोगों ने कहा कि पहले ऐसी घटनाओं के बारे में हम सुनते या TV में देखते थे, अब ये घटना हमारे सामने हुआ है, हम लोग भयभीत हैं। और कितने की संख्या में अपराधी था? चार या पाँच के आसपास में था। लूटा गया है सामान, जो भी पैसा था। कितना पैसा लगभग लूटा है? लगभग पता नहीं सकते, जो भी बॉक्स में था वो लूट के चला गया। कितना था बॉक्स में? जो भी था लाखों में था पैसा। क्या नाम हुआ आपका? आशीष झा। वो कौन नहीं हुआ? किस पद पे हैं? ऑफिसर सेल्स हैं आशीष बैंक में। अपना इधर उधर भाग रहे थे। कितने राउंड फायरिंग हुआ? इतना हम लोग 5-7 बार हुआ है फायरिंग। कितने आदमी थे वो लोग? कितने आदमी भाग रहे थे? कितने नहीं उतना आप बता सकते? भैया हम तो भीतर बैठे हुए, हम क्या कहता, सब लोग भाग रहे हैं जहाँ हम, हमको क्या हो रहा है पता नहीं, क्या हो रहा है, अफरा तफरी का माहौल हो गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम देवेंद्र कुमार सिंह।